नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, जिन्होंने 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी के समर्थन में कुछ बोला ही नहीं। सवाल ये है कि वो नेता ही नहीं, वो एक सांसद हैं। इसके बावजूद भी जब यूपी का चुनाव हो और न पहले चरण न दूसरे चरण, यहाँ तक कि तीसरे चरण का जो आज मतदान हो रहा है, यहां तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। इतना ही नहीं, आज आपको बता दें कि जब से वो सांसद बने, यूपी चुनाव को लेकर या फिर सरकार के खिलाफ, सिर्फ जो सरकार को लेकर उनके समर्थन में एक ट्वीट किया, उसके बाद आज तक उनकी चर्चा तक नहीं की। और जब भी उन्होंने ट्विटर पे, उसको खंगाल लीजिए आप, जब भी बात हुई तो उन्होंने आलोचना ही की, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, योगी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाई, आर मोदी के भ्रष्टाचार, मोदी सरकार में जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसका बात कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज ही उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। कभी नीरव मोदी को लेकर सवाल उठाते हैं तो कभी जो है विजय माल्या को लेकर सवाल उठाते हैं। वो आखिर कह रहे हैं कि आखिर इन लोगों को जो है, लोगों को न्याय कब मिलेगा, इन पर कार्रवाई कब होगी। सीएम चरणजी माफ कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ का वो साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर वो पीएम मोदी का साथ क्यों नहीं दे रहे। उनके तमाम नेता, दिग्गज नेता यूपी में जान झोंक रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी कहाँ हैं। वरुण गांधी इस वक्त जो है बीजेपी के नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो गरीबों को हक नहीं दिला पाए। आज जो भगौरे हैं उसके खिलाफ में वरुण गांधी आवाज उठा रहे हैं। और यही देखना होगा कि वरुण गांधी का ये बगावत बीजेपी को कहां ले जाती है। 10 मार्च को रिजल्ट का इंतजार रहेगा और अगर उस दिन बीजेपी की हार होती है तो तमाम लोग वरुण गांधी की याद करेंगे कि जो सवाल उठा रहे थे बिल्कुल सही था। खैर देखते हैं क्या आगे होता क्या है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 News। नमस्कार।